जीत ले हम सारी दुनिया, बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि आलोचना का सामना कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप में से कितने लोगों को खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है? कृपया अपने हाथ खड़े कीजिए। हम सबको खुद की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है, पर यह बात भी सही है कि कोई हमारी चापलूसी करे तो हम परेशान हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न, हम में से कितने लोगों को खुद की आलोचना सुनना अच्छा लगता है? हम में से किसी को भी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे आलोचना पसंद नहीं आती। जैसे कि एक कहावत में बताया गया है, अगर आप किसी को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो बस उससे इतना कह दीजिए कि वह गलत है। आलोचना को धैर्य से सुनने और समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आलोचना को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। क्या हम यह जानने की कोशिश करें कि वे गुण कौन से हैं? इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कला और उसके दोस्त एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी स्कूल में गए थे। जब उसकी स्कूल पहली प्रतियोगिता में हार गई, तब दूसरी स्कूल के छात्रों ने उन्हें चढ़ाते हुए कहा, हार गए हार गए, लगता है इतनी दूर हारने के लिए ही आए थे। कला के कुछ दोस्तों को गुस्सा आने लगा और कुछ दोस्त हताश हो गए। अगर आप कला की जगह होते तो आप क्या करते? क्या तीन विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। इस परिस्थिति में कला ने अपने दोस्तों से कहा, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो और अगली प्रतियोगिता के बारे में सोचो, इस बार हम जरूर जीतेंगे। इससे सबको प्रोत्साहन मिला और वे अगली प्रतियोगिता जीत गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कला और उसके दोस्तों में दुख से बाहर निकलने का साहस था, इसीलिए वे हार और आलोचना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाए। खुद में सहिष्णुता और साहस पैदा करने के लिए हम आलोचना का सामना समझदारी से कर सकते हैं। कई बार आलोचना सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है, पर अगर हम में सहिष्णुता और साहस हो तो हम भावुक हुए बिना फिर से सामान्य तरीके से सोच पाते हैं और सही बात पर ध्यान दे पाते हैं। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी आलोचना की वजह से आप हताश हो गए थे, पर बाद में आपने सहिष्णुता और साहस से काम लिया और आप दुख से बाहर निकलकर आगे बढ़ पाए? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। आइए अब ममता की कहानी सुनते हैं। ममता की आदत है कि वह काम को टाल देती है। उसने खास अवसरों पर पहनने वाले कपड़े धोने के लिए निकाले थे, पर हमेशा की तरह उसने वह काम टाल दिया। उसे एक शादी में जाना था। जब वह पहनने के लिए कपड़े देखने लगी तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी कपड़े साफ नहीं है। उसके भाई ने तुरंत कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम किसी की सलाह तो मानती नहीं हो। फिर उसके भाई ने कहा, अब शादी में मेरे कपड़े पहन कर जाना। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको यह दिखाना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। इस घटना के बाद ममता ने काम को टालना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि उसने आलोचना को स्वीकार किया और अपनी गलती पर ध्यान देते हुए कुछ सीखा। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना। अब हम कोकिला की कहानी सुनेंगे। कोकिला अपने जेब खर्च के पैसों का हिसाब नहीं रखती थी। कभी कभी उसके पास कोई आवश्यक चीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचते थे। यह देखकर उसकी सहेली प्रिया ने उसकी गलती बताई और उसे हिसाब रखना सिखाया। इसके बाद कोकिला कुछ पैसे बचाने लगी। जब उसने हिसाब देखा तो उसे पता चला कि उसमें कुछ फिजूल के खर्चे भी थे। उसने अगले महीने बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं किए। ऐसा करके एक साल के बाद उसके पास काफी पैसे बच गए थे। फिर प्रिया की सलाह पर उसने उन पैसों से एक छोटा कारोबार शुरू किया। अब 4 सालों के बाद वह एक दुकान की मालकिन बन गई है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जी हाँ, हमें खुले दिमाग से आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। प्रशंसा स्वीकार करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, पर किसी भी प्रकार की आलोचना को स्वीकार करने के लिए खुले दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर हम में ग्रहणशीलता नहीं होगी तो हम सच्चाई और भावना के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता। क्या आपने कभी खुले दिमाग से आलोचना को स्वीकार किया है? क्या आपने आलोचना को स्वीकार करते हुए अपनी गलती को सुधारने पर ध्यान दिया है? कृपया इसके बारे में सबको बताइए।
अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। चलिए अब सिमरन का किस्सा सुनते हैं। सिमरन और आलिया दोस्त हैं। सिमरन बहुत ही मिलनसार है और सबकी मदद करती रहती है। उसके कुछ दोस्तों ने इस बात का फायदा उठाया। वे रोज उसके पैसों से खाना खरीदकर खाने लगे। यह सब कुछ दिनों के लिए चलता रहा। फिर एक दिन आलिया ने उसे कहा, मिलनसार और उदार होना अच्छी बात है, पर सब लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहते हैं। तुम्हारी भलाई के बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। इतनी भोली बनने का क्या फायदा? क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। सिमरन अपने व्यवहार को ठीक से समझने लगी और उसे पता चला कि लोग उसके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाते हैं। उसे यह भी समझ आ गया कि आलिया ने सच्ची फिक्र की वजह से उसकी आलोचना की थी। स्पष्टता होने से हम आलोचना का सामना आसानी से कर पाते हैं। अगर हमें स्पष्ट रूप से पता हो कि परिस्थिति कैसी है और आलोचना करने वाले का इरादा क्या है, तो हम आलोचना का सामना आसानी से कर पाते हैं। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता। सुधीर अपने परिवार के साथ एक नई जगह पर रहने आया था। उसने कुछ नए दोस्त बनाए जो उसके घर के पास क्रिकेट खेलते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे पास बुलाकर कहा, तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहना। यह सुनकर सुधीर को थोड़ा गुस्सा आया, पर वह सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसीलिए वह उन दोस्तों से दूरी रखने लगा। एक दिन उसे पता चला कि उनमें से एक दोस्त को चोरी के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले गई। तब सुधीर को समझ आया कि उसका पड़ोसी उसे क्या समझाना चाहता था। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? जवाब देने के लिए धन्यवाद। आलोचना का सामना करने के लिए एक और गुण होना चाहिए, जो है आभारी होना। आलोचना के रूप में हमारे सामने ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसे मौकों का आभारी होना चाहिए। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता, आभारी होना। अब आपके बारे में कुछ जानते हैं। आप में से कितने लोग गायन में अच्छे हैं? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। जो लोग गायन में अच्छे हैं वे चुप रहेंगे। अब आप में से तीन बुरे गायक यहां आकर कम से कम एक मिनट के लिए गाना गाएंगे। आपको सुरताल के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल मजे लेकर गाना गाना है। और दूसरे लोग आप पर हंसने लगे तब भी
आपको परवाह नहीं करनी है। आप में से कितने लोग आगे आना चाहेंगे? आपका प्रयास सराहनीय था, धन्यवाद। खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने से हम हमेशा आगे की बात सोच पाते हैं और आलोचना पर ध्यान नहीं देते। मजाकिया स्वभाव होने से हमें आलोचना सुनकर गुस्सा नहीं आता। अगर हम खुद पर हंसना सीख जाएं, तो आलोचना को स्वीकार करना आसान हो जाता है। आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता, आभारी होना, मजाक करने की आदत। इन सब के अलावा आप तनाव कम करने के कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना। ऐसा करने से हमारा दिमाग नकारात्मक बातों से हट जाता है और हम आक्रामक बातें नहीं करते। एक कहावत है कि अगर कोई हम पर पत्थर फेंके तो हमें उन पत्थरों से खुद के लिए एक मजबूत नींव बनानी चाहिए। आलोचना भी पत्थर की तरह होती है। आलोचना से सीख लेकर हमें खुद को दृढ़ और मजबूत बना लेना चाहिए। जीवन की राह में हमें फूल के साथ पत्थर भी मिलते हैं। हमें दोनों को समानता से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो हो सकता है कि हम पत्थरों से बच पाएं। आलोचना का अच्छी तरह सामना करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना का सामना करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे हैं सहिष्णुता और साहस, ध्यान केंद्रित करना, सच्चाई स्वीकारना, ग्रहणशीलता, स्पष्टता, आभारी होना, मजाक करने की आदत। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया।